मैं एक माँ हूँ, मेरा एक 13 साल का बेटा है, मेरा बड़ा बेटा। इस देश को कायम रहना है, इस देश को कायम रहना है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लगातार पीटीआई के जो लीडर्स हैं वो पार्टी को अलविदा कर रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं। एक बंदा आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, चला जाता है। लेकिन 5 लोगों की आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो लम्हात आपसे शेयर करूंगा। उसके बाद आपने फैसला करना है कि क्या इन लोगों पर कोई दबाव था या ये अपनी मर्जी से पार्टी को छोड़ रहे हैं। हमारा किसी पार्टी से कोई तलक नहीं है, लेकिन गैर जानवराना तजिया करना हमारा हक बनता है। लेकिन ऐसा इस मुल्क में, मेरी भी 35 साल की उम्र हो गई है, मैंने अपनी ज़िंदगी में इन 35 सालों में इस तरह के वाकयात नहीं देखे, और ना ही किसी जमात से इस तरह से लोगों को निकलते हुए, रोते हुए, किस तरह के सैड चेहरे लेकर निकलते हुए नहीं देखा है। आप ये क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएं। अगर वीडियो अच्छी लगे हमारी तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें। जैसे मैंने कहा, आई एम पार्टिंग वेज विद पॉलिटिक्स फॉर नाउ, और आगे देखेंगे बाद में क्या होता है। ज़ाहिर है जब पॉलिटिक्स ही छोड़ दी तो फिर पीटीआई और नो पीटीआई का तो फैसला नहीं। आप सोच नहीं सकते कि कितना मुश्किल दिन है आज, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि ये दिन आएगा। मैंने तो कभी नहीं सोचा था, मुझे पता है मेरे भाइयों ने भी यहाँ कभी नहीं सोचा था ये दिन आएगा। हमें ये कहना पड़ेगा कि मैं एक माँ हूँ, मेरा एक 13 साल का बेटा है, मेरा बड़ा बेटा 11 साल उसकी एज है, वो कैंसर सर्वाइवर है, और मैं अपनी पूरी लाइफ में उससे इतना अरसा अलग नहीं रही। उसको थोड़ा सा और भी हेल्थ इश्यूज हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा मेंटली इमोशनली उसको हमेशा असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। तो मैं यहाँ पे अपनी सियासत को और पीटीआई को खैराबाद कहती हूँ,